गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस विधायक सज्जन सिंह वर्मा को लेकर कहा कि सज्जन सिंह वर्मा ने वह गलती की है जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। नियमों का पालन करना चाहिए था। वे स्वयं पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे हैं, नियम प्रक्रिया से भली भांति अवगत होंगे। यदि कोई दुर्घटना घटित हो जाती तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होता। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस सनसनी फैलाने के लिए फेक खबरों का सहारा ले रही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तबादले को लेकर कहा कि स्थानांतरण में ट्रांसफर पॉलिसी का पालन होगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं, कोई भी व्यक्ति सीधे किसी से भी संपर्क नहीं करेगा, अपना ऑफिस नहीं छोड़ेगा। वहीं कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अजीब दौर से गुजर रही है, खबरों में बने रहने के लिए सनसनी फैलाते रहते हैं और इसके लिए फेक खबरों का सहारा लेते हैं। कांग्रेस द्वारा सीबीआई जांच की मांग को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेसी पहले तय कर लें कि उन्हें सीबीआई की जांच पर भी भरोसा है या नहीं, कल सीबीआई की जांच रिपोर्ट पर भी सवाल उठा देंगे। कांग्रेसी बहुत ज्यादा फुर्सत पे हैं, उनके पास घर बैठकर ट्वीट करने के अतिरिक्त और कोई काम नहीं है, अभी किसी घटना स्थल पर नहीं जाते हैं। उन्होंने कहा शिवराज सरकार कानून की सरकार है, समाज विरोधी या राष्ट्र विरोधी गतिविधियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, इनसे निपटने के लिए जिस भी फोर्स की आवश्यकता होगी वह उपलब्ध कराए जाएंगे। साध चोर लंपट और ज्ञानी अपनी सी गत सब की जानी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कल स्पष्ट रूप से कहा है जो पॉलिसी है उसके तहत ही होंगे, पूरा ध्यान रखा जाएगा इन चीज़ों का। अधिकारी कर्मचारियों को भी कहा है बिना पूछे कोई भी अपना ऑफिस न छोड़े, अनुमति लेने के बाद ही आए, सीधे ना आए। ये सारी बातें कल मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दी कि सीबीआई पे उन्हें भरोसा है कि नहीं। निकल को कोई रिपोर्ट आएगी तो कहते हैं कि सीबीआई तो राजनीतिक हिसाब से काम कर रही है, भाजपा के हिसाब से काम कर रही है, राहुल गांधी भी यही कहते हैं। अभी तक इनने बाकी के प्रकरणों में भी ऐसे ही कहा था, तो पहले वो स्पष्ट दोबारा से बता दें, घर बैठ के ट्वीट करना, घटना स्थल पे न जाना, वैक्सीन पे ट्वीट करना, एक भी वैक्सीन केंद्र पे नहीं जाना, अस्पतालों पर ट्वीट करना, किसी अस्पताल में नहीं जाना, खाद्यान्न वितरण पर ट्वीट करना और खाद्यान्न वितरण में नहीं जाना। अजीब सा राजनीतिक केंद्र चल रहा है ये कांग्रेस के अंदर, अजीब सी राजनीतिक सरगर्मी, सिर्फ और सिर्फ ट्वीट करते हैं। इतनी भी ज़्यादा फुर्सत नहीं होनी चाहिए जितनी इनको है। जब भी वर्कफोर्स मांगे या कुछ भी मांगेंगे सारी प्रोवाइड की जाएगी। किसी भी गतिविधि को जो समाज विरोधी है, चाहे नक्सल गतिविधि हो चाहे माफिया की गतिविधि हो, ये शिवराज सरकार कानून की सरकार है, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो सही दे दें, हमारे अगर उनको फेक लग रहे हैं तो वो सही दे देते। मौतों पे भी ऐसे ही कहा था उनने, उसके बाद फिर ढूंढने के नहीं मिले, फिर बोले हम तहसील में नगर पालिका पे कार्यकर्ताओं से हम मौतों। ये सनसनी फैला के समाचार बनाना, फेक बातचीत करके समाचार बनाना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि अजीब स्थिति में कांग्रेस गुजर रही है। आज प्रदेश के अंदर कोरोना के 43 नए प्रकरण आए हैं, जबकि ठीक होकर अपने गंतव्यों की ओर 54 लोग गए हैं। मध्य प्रदेश में अब 514 एक्टिव केस ही बचे हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।